Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I'm Vanya Narain, your IGKO, that's International GK Olympiad Educationist for grade 9th. As you can see over here, आज का जो हमारा टॉपिक है शॉर्टी नोट सीरीज का टॉपिक है, कंटेक्चुअल टॉपिक है, मतलब कोई ऐसी घटना घटित हुई है जिसकी वजह से आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। अपने आप में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक होता है तो जीके के लिहाज से और IGKO के हिसाब से, मतलब ओलंपियाड के हिसाब से, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल की, ह्यूमन राइट HR काउंसिल की, और ये अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है क्योंकि आपको मालूम है पेंडेमिक का समय है, तो इस वजह से भी, और आपको मालूम है रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से ये दुनिया में जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसको लेते हुए, ये देखते हुए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ह्यूमन राइट से रिलेटेड मुद्दे जो हैं वो बाहर आ रहे हैं, और इस वजह से इसकी जो अहमियत है या इसके ऊपर जो डिस्कशन है एकदम से थोड़ी सी उसने रफ्तार पकड़ ली है, ठीक है। अब आपको मालूम है कि जब हम मैग्नेट ब्रेन्स पर पढ़ाई करते हैं तो हम पूरी पढ़ाई करते हैं ना, अपन ऐसा नहीं करते कि अपन ने कोई एक टॉपिक लिया और बस अपन ने उसको काम चलाऊ पढ़ लिया और अपन ने ख़त्म कर दिया, राइट। जब हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं सो वी मेक श्योर कि उस एग्ज़ाम के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं उस एग्ज़ाम के लिए तो हम पढ़ें ही, लेकिन हमारा ओवरऑल होलिस्टिकली भी हमें चीज़ें कंसेप्ट समझ में आए। आपको कोई उसके लिए पैकेज नहीं लेना, आपको कोई सब्सक्रिप्शन फ़ीस नहीं देनी, आपको कुछ भी नहीं करना एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि आपको बैठना है, बढ़िया से पढ़ना है, यू हैव टू गेट योर सेल्फ प्रेप्ड अप, राइट। आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और आपको जो कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करना है, बिकॉज यू नो वी एजुकेटर्स हम बहुत मेहनत करते हैं आपको ये चुनने के लिए या ये देखने के लिए कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंस रखती है या कौन सी चीज पे क्वेश्चंस वगैरह बन सकते हैं, राइट। सो यू हैव टू बी देयर एंड यू हैव टू जस्ट स्टडी विद अस एंड दैट इज इट। IGKO का एग्जाम आपको मालूम है कि उसकी डेट्स आ गई हैं, राइट। IGKO के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि GK और करंट अफेयर्स आपका साथ में ब्रशअप हो, क्योंकि अगर दोनों में से ये पार्ट अगर आपका छूट गया तो भले फिर आपका कंसेप्ट कितना भी सॉलिड क्यों ना हो, राइट। अगर आपका करंट अफेयर्स पे आपकी पकड़ नहीं है या आपकी जनरल अवेयरनेस अच्छी नहीं है या अगर आपको जनरल चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है ना, तो उसमें सब कुछ आता है, ठीक है। उसमें आपका बैडमिंटन भी आ जाता है, विंबलडन भी आ जाता है, उसमें आपकी मूवीज़ भी आ जाती हैं, आपके गेम्स भी आ जाते हैं, आपके K-pop भी आ जाते हैं, सीरीज भी आ जाती हैं, एवरीथिंग विल बी देयर, राइट। कुछ भी कहीं से भी किसी भी तरह का पूछा जा सकता है, कुछ भी कहीं से भी प्रकट हो सकता है, राइट। तो अब बात यह है कि अपन को पूरा पढ़ना है, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, ऐसा कोई एकदम इतना हाइपर होने की बात नहीं है इसमें, कि ओलंपियाड का एग्जाम है, कर लेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा, सही हो जाएगा, अपन ने खूब सारी पढ़ाई की है। अब अपन बात कर लेते हैं शॉर्टी नोट सीरीज में, और मैं आपको बनाने वाली हूँ आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा मैंने कहा कंटेक्चुअल है, कंटेक्चुअल मतलब कोई ऐसी घटना हुई है जिसकी वजह से आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये बताऊं कि हम क्या बात करने वाले हैं, हम अभी बात करने वाले हैं न्यूज़ में क्यों रहा, ठीक है। जैसे मैंने कहा कंटेक्चुअल है तो न्यूज़ में रहा, मतलब न्यूज़ में क्यों रहा, न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि बीते दिनों में, कुछ महीनों में क्या हुआ था, आपको मालूम है रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो इतने चरम पे थी, फेब्रवरी एंड से अपन समझ लें तो अभी भी चल रही है, मतलब अभी भी 3-4 घंटे पहले तक भी अगर आप रेगुलर अपडेट देखें तो अभी भी जो शेलिंग है वो चल रही है, अभी भी जो हमला है वो चल रहा है, अभी भी चीज़ें चल रही हैं, अभी भी ऑयल सप्लाई जो है वो रशिया ने रोक दिया है यूरोप का, सो थिंग्स आर स्टिल गोइंग ऑन, राइट। तो ये जो चीज़ स्टार्ट हुई है, या आप कहते हैं कि इसको क्रीमिया पे अटैक से देखा जाए तो 2000 अगर अपन बात करते हैं ना, तो इट गोज़ बैक टू लाइक कब से, 2006-07 से अगर अपन बात करना चालू करें, या 2000 तब से आप थोड़े से जो बोन ऑफ कंटेंशन है इनके बीच में चल रहा है, तब से जो इश्यूज हैं वो चल ही रहे हैं, ठीक है। अब जब विघटन हुआ था USSR का, ये तब से इश्यूज थे, रशिया वॉज द बिगेस्ट सुपर पावर, राइट, उस पूरे क्षेत्र का, और उसको एक तरह की डोमिनेंस चाहिए थी, उसको डोमिनेंस चाहिए थी ऑयल के ऊपर, मेजरली ऑयल के ऊपर और गैसेस के ऊपर और ऑयल के ऊपर, आपको मालूम है कि वो कितना बड़ा एक्सपोर्टर है ऑयल का और गैसेस का, राइट। तो एक तरह से उसको डोमिनेंस चाहिए थी और इसलिए उसने क्रीमिया को हथियाया, फिर यूक्रेन से जो भी उसकी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है वो भी इसी तरह की है, राइट। अब इस पर क्या हुआ है, उस पर कुछ चीज़ें, मतलब ये हेड टू हेड वॉर नहीं है ना, बराबरी की वॉर नहीं है, इसने अटैक किया है, ये इसने इट कॉल्ड फॉर अ वॉर ऑन यूक्रेन, मतलब इट इज़ नॉट अ हेड टू हेड कन्फ्रंटेशन वाली वॉर। तो अब क्या हुआ है, इस कारण बहुत सारी जो चीज़ें हैं, घटनाक्रम रहा और जिस तरह की चीज़ें हुई हैं, मतलब कुछ इतनी इनह्यूमन चीज़ें सामने आई हैं निकल के, कि कीव में देखा गया कि जो कॉन्वॉय था, जो सोल्जर्स का कॉन्वॉय था उनके ऊपर हमला कर दिया गया, जो रिफ्यूजीज बाहर जा रहे थे उनके ऊपर हमला कर दिया गया, जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको मार दिया गया, छोटी छोटी गर्ल्स बॉयज द वेमेन दे वर रेप्ड एंड मोलेस्टेड, इस तरह की जो घटनाएँ हैं वहाँ की रशियन की आर्मी ने और उनकी फोर्सेज ने की है, राइट। सो दिस वॉज वेरी वेरी इनह्यूमन, और उसके ऊपर इतना ज्यादा
आक्रोश था पूरी दुनिया में दैट दिस स्टेप वॉज टेकन एंड फाइनली यूएन जनरल असेंबली अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन कॉलिंग फॉर रशिया टू बी सस्पेंडेड फ्रॉम द यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल और इस कारण ह्यूमन राइट काउंसिल से उसको बर्खास्त कर दिया गया और इसी के ऊपर अपन बात करने वाले हैं आज। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि इसमें क्या है, इस काउंसिल में या इसके बारे में अगर मैं रेजोल्यूशन की बात करूं तो क्या हुआ है। रेजोल्यूशन ये था, ये यूएस ने मूव किया था। ऑफकोर्स यू ऑल्सो नो कि जब हम बात करते हैं सुपर पावर्स की, सो अगर हम वर्ल्ड वॉर के टाइम से जानने की कोशिश करते हैं तो यू नो कि दो एक्सेस में दुनिया बट गई थी, है ना। एक साइड पे यूएस था, एक साइड पे रशिया था, यू नो दैट अलाइड फोर्सेस जो थी इस तरह से बट गई थी। सो दे वर ऑलवेज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ ईच अदर, ये कभी भी एक साइड पे नहीं थे। ऑलराइट, दे वर ऑलवेज अगेंस्ट ईच अदर हमेशा से। सो दे वर ऑलवेज यू नो बैटिंग अगेंस्ट ईच अदर। तो क्या होता था कि जहाँ पे जिन कंट्रीज को यूएन का यूएस का सपोर्ट है उनको रशिया का नहीं होता था, जिनको रशिया का है उनको यूएस का नहीं होता था। तो दिस इज द बैकड्रॉप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यूएस उसने क्या किया क्या नहीं किया ओवर द इयर्स वो हमें मालूम है। अगर हम बात करते हैं वियतनाम की, अगर हम बात करते हैं सद्दाम हुसैन वाली उसकी, तो आपको मालूम है। और तालिबान की भी फॉर दैट मैटर अगर अपन बात करते हैं तो यूएस का स्टैंड किस तरह का रहा है और किस तरह की चीज़ें हुई हैं, क्या एस्ट्रोसिटीज़ हुई हैं, वी आर अवेयर ऑफ दैट। सो दैट इज़ ओके। वो उस पर ऊपर किसी ने चर्चा नहीं की, कोई बहुत ज़्यादा उस पर एक्शन नहीं लिए, क्योंकि उन्होंने उसको बोल दिया दिस इज़ अ वॉर अगेंस्ट द टेररिज्म और दिस इज़ अ वॉर फॉर द गुड, फॉर द बेटर गुड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो उस पर लोग देखते रहे। आपको मालूम है कि सद्दाम हुसैन को जब एग्जीक्यूट किया गया तो देखा जाए तो उस पर बहुत ज्यादा जो बुद्धिजीवी थे उन्होंने उस समय सवाल उठाया था कि व्हाई यूएन जनरल असेंबली इज क्वाइट ऑन दिस, व्हाई यूएन जनरल असेंबली इज लेटिंग दिस हैपन। बट उस टाइम पे किसी ने कोई बहुत ज्यादा उस पर एक्शन नहीं लिया, एवरीबॉडी वॉज अ म्यूट स्पेक्टेटर, राइट। थोड़े बहुत जो आक्रोश हुए भी, आंदोलन हुए भी, इट वॉज ऑफ नो यूज, कुछ उसका हासिल मतलब नहीं हुआ। यूएस डेड वॉट इट हैड टू डू, राइट। अब बात ये हो रही है कि इसमें रशिया के बारे में जब ये बात हुई तो एकदम से उसका जो एकदम इसको कहते हैं ना मानवता का वो जो है ह्यूमन राइट वाला जो पार्ट है एकदम बाहर आ गया। एंड दे सेड कि ऐसे तो बहुत ही इनह्यूमन बिहेवियर है, हाउ कैन यू गो एंड किल पीपल, हाउ कैन यू कॉल ऑन वॉर, हाउ कैन यू डू दिस, हाउ कैन यू नो मार्च इन द कंट्री एंड किल द सोल्जर्स एंड रेप एंड मोलेस्ट द वुमेन, विच इज ऑफ कोर्स राइट, इट शुड नॉट बी डन। ये किसी को भी नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। एवरीबडी हैज अ राइट टू लाइफ, एवरीबडी हैज अ राइट टू रिस्पेक्ट एंड एवरीबडी हैज अ लाइफ टू डिसेंट लाइफ, राइट, राइट टू डिसेंट लाइफ। तो आप ये कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वन ह्यूमन बींग डू दिस टू अनदर ह्यूमन बींग एंड फॉर वॉट, ये अपने आप में मुद्दा है। बट द पॉइंट वॉज कि अब यहाँ पे ये जो हुआ, ये रेजोल्यूशन वॉज मूव्ड बाय द यूएस, यूएस ने इसको बैक किया, इसको मूव किया इस रेजोल्यूशन को, और उसने दबाव बनाया एक तरह से दैट यू नो यूएन जनरल असेंबली नीड्स टू टेक सम एक्शन एंड टेक सम टफ कॉल ऑन द रशिया, ऑन द रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। और इस पर उसने कहा कि सस्पेंड करने की बात की उसने रशिया को फ्रॉम द काउंसिल ओवर एलिगेशन दैट रशियन सोल्जर्स किल्ड सिविलियंस और वाइल रिट्रीटिंग फ्रॉम द टाउन्स नियर द यूक्रेनियन कैपिटल कीव। और उसने इसका वो क्या दिया, जो बेस है ऑब्वियसली वो काफ़ी टाइम से चाह ही रहा था, जो आप कहते हैं ना एक जो फोर फ्रंट रीज़न बना वो ये था कि जो यूक्रेन के जो जो लोग थे, जब वो सिविलियन लोग थे, इट्स नॉट अबाउट द आर्मी पीपल और द फोर्सेस पीपल, जो मासूम लोग थे, सिविलियन लोग थे, जब वो क्रॉस कर रहे थे या रिट्रीट कर रहे थे कीव से, तो उनको मार दिया गया, ठीक है, उनको रशियन फोर्सेस ने मार दिया। और ये मुद्दा बना जिसकी वजह से ये कहा गया कि भाई अब तो जो है पानी सर के ऊपर निकल गया है एंड द वर्ल्ड कैन नॉट बी अ म्यूट स्पेक्टेटर, पीपल हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। एंड ये बात हुई कि नाउ वी हैव टू सस्पेंड, आपको किसी भी तरह से आपको रशिया को पूरी तरह से बैन करना है, ठीक है। ये रेजोल्यूशन जो था अडॉप्ट किया गया किसके द्वारा, 93 वोट्स के द्वारा अडॉप्ट किया गया, जिनने 93 लोगों ने इसको बेसिकली फेवर में वोट किया, ठीक है। 24 अगेंस्ट थे, जिसमें से जो नाम हम समझ सकते हैं जो अगेंस्ट थे उसमें से एक नाम था चाइना ने अगेंस्ट में वोट किया, इराक ने अगेंस्ट में वोट किया, और किसने वोट किया, नॉर्थ कोरिया ने अगेंस्ट में वोट किया, राइट। और हम 58 जो थे वो एब्सटेंशंस थे, मतलब 58 वो लोग थे जिन्होंने ना हाँ में वोट किया ना में वोट किया, ठीक है। उसमें से इंडिया जो था वो एक था, ठीक है, इंडिया एक था, और हमने एब्सटेन किया वोटिंग से, ना हमने फेवर में वोट किया ना अगेंस्ट वोट किया। ऑफकोर्स वाई, बिकॉज इंडिया और आपको मालूम है रशिया से, इंडिया और रशिया ऑलवेज वो ऑन द गुड टर्म्स, ठीक है, रशिया और इंडिया हमेशा से वो ऑन द गुड टर्म्स। या आपको मालूम है हमारी ज़्यादातर जो डिफेंस हमारा मेकैनिज्म है, ज़्यादातर जो हमारी डिफेंस की सप्लाई है वो रशिया से होती है, ये भी आपको मालूम है, राइट। आप ब्रह्मोस की बात कर लीजिए या आप मिक्स की बात कर लीजिए, ये सब कुछ जो है रशिया से चलता है। ऑयल पे हम बहुत तरह से निर्भर थे,
राइट, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। आपको मालूम है जो रीजन, जो एशियन रीजन की बात होती है, उसमें इंडिया का एक बैकिंग जो सपोर्ट है वो रशिया रहा है, बहुत सालों से रहा है। आपको मालूम है, ऑफकोर्स आपको जवाहरलाल नेहरू के समय से मालूम है दैट थिंग्स हैव बीन वेरी वेरी पॉजिटिव। और अगर आप मिखाइल गॉर्बाचेव की बात करते हैं या राजीव गांधी की बात करते हैं, तो दीज ऑल दीज लीडरशिप्स वर इन वेरी वेल अकॉर्ड विथ ईच अदर, राइट। तो हम एक्चुअली वी कैन नॉट अफोर्ड, और वी पॉसिबली वी वॉन्टेड टू टेक अ यू नो बीच का रास्ता, और हमने इसको एब्सटेन कर दिया कि हमने ना उनके अगेंस्ट वोट किया, हमने उनके फॉरवर्ड किया। इसके लिए हमें बहुत ज्यादा, आपको मालूम है, थ्रेट भी किया गया। यूएस ने हमें थ्रेट किया अबाउट द सैंक्शन, कि वो हमारी सैंक्शन जो है वो हटा देगा, लेकिन बहरहाल इस पे नहीं हुआ। चीज़ें केप्ट ऑन केप्ट गोइंग वेल, ओके फाइन, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन आपको मैं बता दूं, इंडिया का जो स्टेटमेंट आया, जो इंडिया ने स्टेटमेंट दिया कि वो क्यों एब्सटेन कर रहा है, वो था कि उसने बोला, असर्ट किया अपना वोट, और उसने कहा कि इंडिया वॉन्ट्स पीस एंड स्टैंड फॉर द इमीडिएट एंड टू वायलेंस। ये बात उसने एब्सटेन तो किया, पर यह बात उसने बिल्कुल क्लियर की, भारत ने पूरी तरह क्लियर कर दी कि इंडिया जो है वो नॉन वायलेंट कंट्री है, वो अहिंसा पे चलता आया है, एंड टू कोट, इंडिया स्टैंड चूजन साइड ऑफ पीस एंड स्टैंड फॉर इमीडिएट एंड टू वायलेंस। मतलब एक दबे स्वर में ये बात बोली गई दैट हम यूक्रेन पे जो हमला किया गया है उसकी निंदा करते हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं, ये चाहते हैं कि इमीडिएट एंड हो वायलेंस का, जो भी हिंसा चल रही है दुनिया में उसको पूरी तरह से रोका जाए, राइट। ये बात हुई है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, अब हम समझते हैं बेसिकली, आपको मालूम है कि ये जब बैन की बात हो रही है, सैंक्शंस रोकने की बात हो रही है, यूएस ने या ईयू ने भी रशिया के जो सैंक्शंस हैं वो रोक दिए हैं पूरी तरह। ऑफ कोर्स यू नो दैट, राइट। सैंक्शंस रोकना कंट्री की, आपको मालूम है कब रोके जाते हैं, जब उनको किसी भी तरह की कोई भी ट्रेडिंग में या किसी भी तरह की मदद जो है नहीं दी जाती, या कोई भी तरह की इकोनॉमिक डीलिंग जो है वो उनके बीच में बंद हो जाती है। एवरी काइंड ऑफ दोज थिंग्स आर हैव बीन स्टॉप्ड, राइट। ईयू ने कहा है कि भाई हम पूरी तरह से ऑयल जो है वो लेना बंद कर देंगे रशिया से by the end of 2022, so that has been put up। उसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो आपको मालूम है G8 से ऑलरेडी सस्पेंड हो गई थी रशिया, अब ये भी हो गया, UN से भी हो गई है। तो UN ह्यूमन राइट काउंसिल है क्या, क्या काम करता है, हम इसको एक बार समझ लेते हैं। एक तरह से एक्चुअली इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है ये, तो आप समझ गए, UN की है, UN की बॉडी है, और ये बनाई गई थी, इसको पहले का चलता था कमीशन, जिसको बोलते हैं ना कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स करके हुआ करता था, उसको एक तरह से रिप्लेस कर दिया गया है। वो 1947 में गठित हुई थी, इसको रिप्लेस किया गया है, और यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अंदर ही है। इसमें 47 स्टेट्स हैं, ठीक है, 47 स्टेट्स हैं जो कि इलेक्ट किए जाते हैं 3 साल के टर्म के लिए, और यूनाइटेड जनरल असेंबली जो है वो उनको इलेक्ट करती है, राइट, वोटिंग के थ्रू होता है, वोटिंग प्रोसेस होती है। और इसको प्रमोशन का एंगल माना जाता है कि पूरी दुनिया को, पूरे जो वर्ल्ड है उसमें जितने भी लोग रह रहे हैं उनको साथ में एक तरह से उनको प्रोटेक्शन दिया जाए, और एक तरह के उनके लिए आप एक तरह से स्टैंडर्ड आप तय कर दें कि भैया ये स्टैंडर्ड है, दिस इज द डिग्री ऑफ द ह्यूमन राइट्स दैट नीड टू बी फॉलोड अक्रॉस द ग्लोब, राइट। ये बेसिक राइट्स हैं जो कि सबको दिए जाएंगे, और ये बेसिक प्रोटेक्शंस हैं जो सबको मिलेंगे, राइट। तो इस तरह की चीज़ें हैं अराउंड द ग्लोब, एंड इट इज अबाउट द प्रिजर्वेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स ऑफ द ग्लोब, आप एक तरह से ये कह सकते हैं। ये जैसे मैंने कहा, ये रिपोर्ट कहाँ करता है, डायरेक्टली जनरल असेंबली को करता है, जिसमें 193 मेंबर्स हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि जनरल असेंबली में कितने मेंबर्स हैं, 193 मेंबर्स हैं, और इसमें 47 स्टेट्स हैं, ठीक है, और ये चुने जाते हैं, दीज आर ऑल वोटेड फॉर। नाउ इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं अपन, बैकग्राउंड क्या है। 2006 में इसको रेजोल्यूशन को ये पारित किया गया था, इसको बनाया गया था बाय रेजोल्यूशन 60/251 एज अ सब्सिडरी बॉडी मानी जाती है ये जनरल असेंबली की। जैसा मैंने आपसे कहा कि जनरल असेंबली का एक अंग है या आर्म ऑफ जनरल असेंबली मानी जाती है, और इसने जैसा मैंने कहा था आपको कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को, जो कि 1946 में गठित हुआ था, उसको इसने चेंज किया था, उसको रिप्लेस किया था, और ये 2006 में इसने इसको फाइनली रिप्लेस कर दिया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ह्यूमन राइट काउंसिल जो है वो कौन सी बॉडी को रिप्लेस करके या कौन सी बॉडी की जगह आया था, तो आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को रिप्लेस करके वो आया था, और कब आया इफेक्ट में, 2006 में। अब कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स जो है वो क्रिएट किया गया था 1946 में, जो कि सब्सिडरी बॉडी थी यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की। इनिशियल मैंडेट जो था कमीशन का वाज टू एस्टैब्लिश इंटरनेशनल ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड्स एंड डेवलप एन इंटरनेशनल बिल फॉर राइट्स, बेसिकली बिल ऑफ राइट्स बनाना
ये बेसिकली जो मुद्दा था जो कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का था वो ये था कि आपको एक पूरी दुनिया के लिए एक ह्यूमन राइट्स का स्टैंडर्ड बनाना है और बिल ऑफ राइट्स आपको तैयार करने हैं, जैसे अपने यहाँ जो होते हैं ना फंडामेंटल राइट्स, उस तरह से बिल ऑफ राइट्स आपको तैयार करने हैं कि पूरी दुनिया में जो लोग हैं उनके लिए क्या बिल ऑफ राइट्स हैं, उनकी जो उनकी उनके जो अधिकार हैं वो आपको उनको स्थापित करने की बात थी और उसके लिए बनाया गया था। ठीक है, अब अगर अपन बात करते हैं मैंडेट की, मैंडेट एंड रोल इन द यूएन सिस्टम, पहली बात तो ये हो जाती है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग यूनिवर्सल रिस्पेक्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम फॉर ऑल। अब ये बात करती है फंडामेंटल फ्रीडम की, लिबर्टी की और इक्वालिटी की, इन द सेंस मतलब जो बेसिकली डेमोक्रेसी का अपन मानते हैं तो उसी में आप इसी को समझ लीजिए कि वही एक चीज़ है। उसी तरह से बात जो है ह्यूमन राइट्स पे भी होती है कि भैया आपको राइट टू लिबर्टी है, आपको राइट टू इक्वालिटी है, आपको राइट टू फॉलो योर ओन थिंग्स, जो आप करना चाहते हैं आपको वो करने की आज़ादी होगी। ऑफकोर्स इट डजंट मीन कि आप किसी और की आज़ादी पे हिंड्रेंस डालेंगे, लेकिन ऑफकोर्स आप जो कर रहे हैं वो आपको वो करने की, आपको अपना जीवन स्वतंत्रता से जीने की आज़ादी होगी, स्वतंत्र आप रह सकते हैं, आपको पूरी लिबर्टी और पूरी फ्रीडम दी जाएगी, बट ऑफकोर्स नॉट एट द कॉस्ट ऑफ समबडी और समथिंग एल्स, राइट। ये चीज़ें हैं। ऑफकोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स विद वॉट, विद द सेंस ऑफ ड्यूटीज, तो वो आएंगी। और इट एम्स टू प्रिवेंट एंड कॉम्बैट ह्यूमन राइट वायोलेशन, और दुनिया में कहीं पर भी अगर किसी भी व्यक्ति की, किसी भी व्यक्ति विशेष की या किसी भी समुदाय की या किसी भी जिसको बोलते हैं कंट्री की, अगर ह्यूमन राइट्स वायलेट की जा रही हैं तो उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई जाएगी, उसके अगेंस्ट जो है एक्शन लिया जाएगा, ये बात है। ठीक है, अब इसमें आप कह सकते हैं इसमें सिस्टमैटिक वायलेशन भी हो सकता है, ग्रोस भी हो सकता है, आप इसको कह सकते हैं कि मेथोडिकल वे से किया हुआ भी हो सकता है या अनप्रिपेयर्ड भी हो सकता है, लाइक काइंड ऑफ इम्प्रॉम्प्टू भी हो सकता है कि भाई आपने सोचा नहीं था कि किसी का आपके मानवाधिकार का आप हनन करेंगे और आपने कर दिया, दैट इज ऑल्सो पीनलाइज्ड, एंड वन दैट इज लाइक आपने पूरा प्लान करके कुछ किया है तो वो भी पीनलाइज होगा। दोनों ही चीज़ें इसमें आएंगी, आपको एक में आपको ये हो सकता है थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाए, उसकी जो डीलिंग है वो थोड़ी सी दूसरे से डिफरेंट हो, बट वो होगा जरूर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड टू मेक रिकमेंडेशंस देयर ऑन, और इसको बनाया गया था कि और इस संदर्भ में या इस पूरे के पूरे जिसकी बात कर रहे हैं हम, जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं उसमें कोई भी चीज़ जो हो वो बढ़ाई कैसे जाए या किसी चीज़ का इम्प्रूव कैसे किया जाए या उसमें आप आगे कैसे बढ़ेंगे, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए आप अपने रिकमेंडेशंस भी दे सकते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो वर्क्स टू प्रमोट एंड कोऑर्डिनेट द मेन स्ट्रीमिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स विद इन द यूएन सिस्टम। ठीक है, इसमें आप यूएन सिस्टम के अंदर आप कैसे इसको प्रमोट करते हैं या कैसे आप वर्क करते हैं, प्रमोट आप किस तरह से करके उसको आगे बढ़ा रहे हैं, मेन स्ट्रीम आप कैसे कर रहे हैं वो भी देखा जाएगा। अब इट रिसीव सब्सटेंटिव एंड टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम द यूएन ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर ऑफ द ह्यूमन राइट्स एंड ऑफिस विद इन द यूएन सेक्रेटेरिएट, और इनको किससे मिलता है सब्सटेंटिव और टेक्निकल सपोर्ट, इनको टेक्निकल सपोर्ट मिलता है यूएन ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर, हाई कमिश्नर के ऑफिस से। इसका जो सबसे पहला था फॉर ह्यूमन राइट्स, इसका मैंने यहाँ पे लगाया हुआ था यूनाइटेड नेशंस, जो सबसे पहली जो वो थी ना यूनाइटेड नेशंस की, ये देखिए यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर, वो इसको वो करता है टेक्निकल सपोर्ट, या आप कह सकते हैं कि एक तरह का सपोर्ट जो है प्रदान करता है, वो उसका लोगो था, राइट कहाँ गया, ओके और यूएन सेक्रेटेरिएट जो है उसके अंदर ये ऑफिस आता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन इसको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब इसके जो डिसीजंस हैं, रेजोल्यूशंस हैं, रिकमेंडेशंस हैं, इनकी लीगल बाइंडिंग नहीं होती, इनको आप कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब आपको एक सिंपल सी बात है कि आपको लीगली बाइंड नहीं किया जाएगा, जो भी रिकमेंडेशंस हैं या रेजोल्यूशन ये देंगे या आपको कानूनी तौर पर मानना, आप बाध्य नहीं होंगे कि आपको कानूनी तौर पर उनको मानना है, राइट ये वाली चीज़ है, मतलब आप ऐसा नहीं करेगा कि वो आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होगी, ऐसा कुछ नहीं है। अब मेंबरशिप की बात कर लेते हैं हम, 47 मेंबर्स हैं जैसे मैंने आपसे कहा, और ये अलग अलग जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है पूरे दुनिया की उसमें इस तरह से बनाए जाते हैं कि हर ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से कंप्राइज किए जाएँ, जितने कॉन्टिनेंट्स हैं, एरियाज हैं, जैसे साउथ एशिया हो गया, यूरोप हो गया, तो अलग अलग सबकी अपने रिप्रेजेंटेशन हो, इस हिसाब से बनाए जाते हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो जितने यूएन मेंबर्स हैं वो सारे एलिजिबल होते हैं कि वो इसमें सीट फॉर द काउंसिल के लिए रन कर सकते हैं। ठीक है, और कंट्रीज़ क्या होती हैं, बेसिकली वो नॉमिनेट होती हैं बाय द रीजनल ग्रुप एंड इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली, जैसे मैंने कहा इलेक्टेड होती है थ्रू वोटिंग्स होती हैं, और नॉमिनेट कैसे होती हैं, रीजनल ग्रुप्स के द्वारा नॉमिनेट होती हैं, वोटिंग के द्वारा चुनी जाती हैं, और बैले के थ्रू होता है, प्रॉपर बैले की द्वारा वोटिंग की जाती है, और जो भी मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती है उसमें, उससे ज़्यादा जितने भी आएंगे उससे ज़्यादा, मतलब जो भी मेजॉरिटी और उसका का हिसाब है सीधे सीधे, है ना, मैंडेट क्या आ रहा है उसका हिसाब है सीधा सीधा, ठीक है वोटिंग का। अब इसमें अगर बात करते हैं इंडिया की, बहुत अच्छे मैंडेट रहे हैं, राइट, इंडिया का अगर आप बात करते हैं तो बहुत थम्पिंग मेजॉरिटी से इंडिया जो है वो इसका मेंबर बना है, राइट, ये बहुत
बहुत अच्छा माना जाता है, तीसरी बार कॉन्सिक्वेंटिवली बना है. और जनरल असेंबली टेक्स इन टू अकाउंट द कैंडिडेट स्टेट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एज वेल एज देयर वॉलंटरी प्लेजेस एंड कमिटमेंट इन दिस रिगार्ड. तो इसमें एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट देखी जाती है नॉमिनेशन के टाइम पे, कि जनरल असेंबली इस बात का ध्यान रखती है कि भाई जो भी सेट कंट्री है वो किसी भी तरह के वॉयलेंस में तो नहीं है, वो किसी भी तरह के एक्ट ऑफ वॉयलेंस में या मानव का जो मानव अधिकार है उसके हनन का मामला तो नहीं है उसके ऊपर, या उसकी किस तरह की उसकी पॉलिसी है वॉयलेंस की तरफ पे, या कितना पीस लविंग कंट्री है वो, या उसकी स्टेट पॉलिसीज किस तरह की है, ये सब चीज़ें भी देखी जाती हैं. उसके अलावा ये देखा जाता है कि वो कितना प्लेज्ड है या कितना कमिटेड है अपने काम को लेके, या वो कितने कमिटेड है इस चीज़ को लेके कि उनको क्या करना है उस पर्टिकुलर मानव अधिकार की जब बात हो रही है तो उसको उनको कितना अपग्रेड करना है, उसको कितना सेफगार्ड करना है, ये सब जो व्यूज़ हैं ये भी ध्यान में रखे जाते हैं. इसके अलावा टर्म्स मेंबर ऑफ द काउंसिल सर्व फॉर द पीरियड ऑफ 3 years एंड आर नॉट एलिजिबल फॉर इमीडिएट री इलेक्शन आफ्टर सर्विंग 2 consecutive टर्म्स. अब इसमें एक ही सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपने 2 consecutive टर्म सर्व कर लिया है, ठीक है, 3-3 साल का कार्यकाल अगर आपने कर दिया है, तो वो मेंबर स्टेट जो है वो तीसरी बार में नहीं होगा. तो उसको ब्रेक लेना पड़ेगा. एक बार का आपने कार्यकाल का आप ब्रेक ले लो 3 साल का, फिर आप दोबारा आ सकते हो, लेकिन 3 consecutive years या 3 consecutive टर्म्स आप नहीं इलेक्ट हो सकते. ये इसका वो है. सस्पेंशन कैसे होता है मेंबर्स का, कि अगर कोई मेंबर है और उसको सस्पेंड करना है आपको तो आप कैसे करेंगे. अगर कोई काउंसिल मेंबर है, अगर कोई बहुत ही ग्रोस या बहुत ही सिस्टमैटिक वॉयलेशन करता है ह्यूमन राइट्स का, मतलब कोई इस तरह का जिसको आप बोलते हैं ना बहुत ही जघन्य अपराध करता है, या कोई बहुत ही इस तरह का हीनस वॉयलेशन करता है ह्यूमन राइट्स का, तो उसको हटा दिया जाता है पूरी तरह से, इसको सस्पेंड कर दिया जाता है या उसको ड्रॉप कर दिया जाता है. ठीक है, जनरल असेंबली जो है उसकी मेंबरशिप सस्पेंड कर सकती है अगर उसको 2/3 वोट जो है वो मिलते हैं ऑफ द प्रेजेंट मेंबर्स, है ना, अगर उसको प्रेजेंट मेंबर्स के 2/3 वोट मिलते हैं तो उसको सस्पेंड कर सकते हैं, जैसे कि अभी रशिया के मामले में हुआ है. मीटिंग कहाँ होती है इसकी? मीटिंग की अगर हम बात करते हैं तो काउंसिल का हेडक्वार्टर जो है वो जिनीवा में है, ये तो आपको मालूम होगा, स्विट्जरलैंड में. और ये कब मिलते हैं? 3 meet for 3 or more sessions per year for the total of 10 or more weeks. ठीक है, इस तरह से इनकी मीटिंग हेल्ड होती है. इट इन होल्ड स्पेशल सेशन ऑन स्पेसिफिक ह्यूमन राइट सिचुएशन और इशूज एट द रिक्वेस्ट ऑफ एनी काउंसिल मेंबर विद द सपोर्ट ऑफ 1/3 ऑफ काउंसिल मेंबरशिप. और अगर जो नॉर्मल मेंबरशिप है, जो टेन्योर है, किस तरह से मीटिंग कॉल होती है वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है मीटिंग कॉल करना, इमरजेंसी मीटिंग कॉल करना, तो वो भी हो सकता है. लेकिन वो कब होता है? वो बेसिकली कोई भी जो मेंबर है, कोई भी जो मेंबर है काउंसिल मेंबर है वो उसकी रिक्वेस्ट कर सकता है, लेकिन उसको सपोर्ट होना चाहिए उस काउंसिल मेंबर को. कितना सपोर्ट होना चाहिए? कम से कम 1/3 ऑफ द काउंसिल मेंबर्स का अगर सपोर्ट है और वो कहते हैं कि हाँ 1/3 उसके फेवर में, और कहते हैं कि हाँ यार ये मुद्दा तो इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर तो चर्चा होना जरूरी है या इसके लिए तो मीटिंग कॉल करनी चाहिए, तो फिर मीटिंग कॉल हो जाती है. ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि इसमें रीजन वाइज जो मैंने आपसे डिवीजन बोला था वो किस तरह का है, आपको ये समझना है. अफ्रीकन स्टेट्स की जो सीट्स हैं वो 13 हैं, एशिया पैसिफिक की जो सीट्स हैं वो भी 13 हैं, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन की जो सीट्स हैं वो 8 हैं, वेस्टर्न यूरोप एंड दूसरे जो स्टेट हैं अन्य प्रांत जो हैं उसकी 7 है, ईस्टर्न यूरोप स्टेट 6 हैं. इस तरह से नंबर जो है पूरा 47 होता है. ठीक है, अब इसमें बात कर लेते हैं हमारा और इसका क्या लेना देना है, या हमारा और इसका लेना देना तो है, बहुत सारा लेना देना है. आपको मालूम है इंडिया की तो पॉलिसी रही है नॉन अलाइनमेंट की, ये पंचशील की, आपको मालूम है नॉन वायलेंस की, तो हमारा तो ह्यूमन राइट्स से बहुत पुराना वास्ता है, राइट, और इसी वजह से आप कह सकते हैं कि इंडिया को इतने अनप्रेसिडेंटेड वोट्स मिलते भी हैं और इस वजह से हम 3 बार इसके मेंबर रहे भी हैं. लेकिन अभी बात हो रही है मई 2017 की बात अगर करते हैं, तो 3rd time इन लेस देन 10 years, 10 साल के अंतराल में, 10 साल के कार्यकाल में, सॉरी अंतराल नहीं, कार्यकाल में हम 3rd बार मेंबर चुने गए हैं. और आखिरी बार अभी कब चुने गए हैं? 2017 में चुने गए हैं. इंडियाज ह्यूमन राइट रिकॉर्ड वॉज रिव्यूड अंडर द यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू मैकेनिज्म, जो इसका बेसिकली यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू होता है, उसमें चुने गए हैं. उसमें देखा गया है कि किस तरह का, आपको मालूम है कि किस तरह का हमारा जो हमारी मॉनिटरिंग की गई है, जो देखा गया है कि हमारा डेटा स्टडी किया गया है, हमारे जो वर्किंग रही है, या हमने किस तरह का हमारी कंट्री में किस तरह के हालात रहे हैं वो सब मॉनिटर किए गए हैं. और इसमें आप कह सकते हैं इंडिया ऑल्सो प्रेजेंट्स वॉलंट्री नेशनल रिव्यू VNR कहते हैं इसको, ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि SDGs आपने पढ़े थे, राइट, 17 जिसके आपने लोकलाइजेशन ऑफ SDGs भी पढ़ा था, उसके ऊपर भी इंडिया ने भी अपनी एक वॉलंट्री, आपको मालूम है कि वो दी है, नेशनल रिव्यू दी है. और ये 2030 का जो एजेंडा था जो यूनाइटेड नेशंस का, उसमें काम कर रही है इंडिया, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस है इंडिया का. और हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑफ द इकोसॉक एट द यूनाइटेड नेशंस इन जुलाई 2017,
भी क्या होता है ये आपको पीछे की स्लाइड में मिल जाएगा, ठीक है। अब इन अक्टूबर 2021 अगर अपन बात करते हैं, आखिरी बार 17 में हुई थी, उसके बाद आपको मालूम है पेंडेमिक आ गया, राइट। तो बेसिकली ये होनी कब थी, होनी ये 20 में थी लेकिन 20 में नहीं हो पाई, 17, 18, 19, 20 में होनी थी लेकिन नहीं हो पाई 20 में। तो फिर ये हुई कब, ये हुई अक्टूबर 2021 में, ठीक है। अक्टूबर 2021 में इंडिया को फिर से रीइलेक्ट किया गया UNHRC में फॉर दिस सिक्स्थ टर्म, मतलब आप मान सकते हैं कि छठवीं टर्म के लिए फिर से इसको किया गया, और ओवरवेलमिंग वोट मिले जैसे मैंने आपको कहा, राइट। 184 वोट हमको मिले हैं 193 मेंबर्स के, जो कि बहुत ज़्यादा माने जाते हैं, जबकि नॉमिनल वोट जो कि एक बेसिकली आप कहते हैं मेजॉरिटी, जो रिक्वायर्ड मेजॉरिटी के लिए जो वोट होते हैं वो होते हैं मात्र 97, और हमको बहुत थम्पिंग मेजॉरिटीज हमको वोट मिले हैं, दैट इज 184 आउट ऑफ 193, और रोबस्ट एंडोर्समेंट माना जाता है इसका, और इसको ये माना जाता है कि भारत को इस वजह से मिले हैं क्योंकि हमारी अगर आप हिस्ट्री उठा के देखते हैं तो उसमें नॉन वायलेंस, आपको डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, सॉवरन, हर चीज़ की बात है, और दैट इज़ वाई वी आर सो मच देयर आउट देयर व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन राइट्स। प्लेटफॉर्म फॉर डायलॉग अमंग स्टेट्स अगर हम बात करते हैं तो उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो हम ये समझ लेते हैं। काउंसिल सर्व करता है एक तरह से एक फोरम के तौर पे करता है, जहाँ पे डायलॉग हो सकते हैं वेरियस स्टेट्स के बीच में। नाउ वी एन वी टॉक अबाउट स्टेट्स, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम पॉलिटिकल स्टेट्स की बात कर रहे हैं। जैसे इसमें अगर हम बात करते हैं, जर्मनी एक स्टेट हो गया, इंडिया एक स्टेट हो गया, ऑस्ट्रेलिया एक स्टेट हो गया, इजिप्ट एक स्टेट हो गया, लाइक दैट, राइट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट इंटर स्टेट डायलॉग्स, और उसके अलावा हम बात कर रहे हैं इसमें जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके क्या इनपुट हैं या उनके क्या विचार हैं या वो इस बारे में क्या सोचते हैं, बताना चाहते हैं, दोज पीपल एंड दोज थिंग्स एंड दोज ऑर्गेनाइजेशन स्टेक होल्डर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड, थ्री, ठीक है। इसमें डायलॉग एंड कोऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अलावा इट कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन राइट वायोलेशन एंड रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली टू ह्यूमन राइट इमरजेंसीज, मतलब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक है ह्यूमन राइट को आपने एस्टैब्लिश टू कर दिया, राइट टू ह्यूमन राइट्स आपने बता दिया, राइट टू आपने बिल ऑफ राइट आपने बता दिया, वो सब कुछ आपने कर दिया, लेकिन अगर कहीं पे ह्यूमन राइट्स वायोलेट हो रहा है तो उस पर क्या एक्शन लिया जाएगा और कितनी प्रॉम्प्टली वो एक्शन लिया जाएगा, दैट इज सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आई केप्ट इन माइंड। कि आपको ऐसा नहीं है कि कोई हो रहा है कोई चीज़ कहीं पर वायोलेशन हो रहा है तो आप बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं एंड यू हैविंग अ मीटिंग एंड स्टाफ, यू हैव टू टेक अ टाइमली एक्शन एंड यू हैव टू टेक अ स्ट्रिक्ट कॉल ऑन दैट, राइट, जैसे रशिया के मामले में उन्होंने किया है। अब इसमें अपन बात कर लें, स्पेशल प्रोसीजर टू मॉनिटर ह्यूमन राइट्स, काउंसिल हैज क्रिएटेड एंड रिन्यूड द मैंडेट ऑफ द वेरियस स्पेशल प्रोसीजर्स, द स्पेशल प्रोसीजर्स आर एक्सपर्ट अपॉइंटेड टू मॉनिटर ह्यूमन राइट्स अराउंड प्रायोरिटी थीम्स और इन स्पेसिफिक कंट्रीज विद सीरियस ह्यूमन राइट्स प्रॉब्लम। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे जब आप ह्यूमन राइट्स की काउंसिल की बात करते हैं तो इनके कुछ स्पेशल प्रोसीजर्स भी हैं, मतलब जहाँ पे शांति है, जिन कंट्रीज में नॉर्मल पीस सिचुएशन है उनकी बात नहीं हो रही है, लेकिन अगर कहीं पे कुछ भी तरह का थोड़ा भी आपको लग रहा है कि चीज़ें ऊपर नीचे हैं या डामाडोल हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे मैंडेट जो है वो लिया जाता है और स्पेशल प्रोसीजर्स जो है वो प्लेस किए जाते हैं, ठीक है। इसमें आप ये कह सकते हैं कि कोई एक्सपर्ट जो है वो अपॉइंट कर देगा और उसको क्या करना होगा, जो काउंसिल है वो अपॉइंट कर देगा और उसको काम होगा मॉनिटर करना इन हाउस, मतलब वो वहाँ रहकर उस स्टेट में उसको मॉनिटर करना पड़ेगा इन हाउस जो भी कार्रवाई चल रही है, जिस भी तरह का काम हो रहा है, और उसको प्रायोरिटी थीम्स दी जाएंगी, उसको बताया जाएगा कि आपको इन लाइंस पे चीज़ों को यहाँ रहकर मॉनिटर करना है और आपको स्पेसिफिक कंट्रीज़ में जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे इन कंट्रीज़ में प्रॉब्लम की सिचुएशन ज़्यादा है या चीज़ें ज़्यादा भड़क रही हैं या ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, वहाँ पे प्रायोरिटी लाइन में आपको उनको हैंडल करना पड़ेगा। जैसे आपको मालूम है रशिया यूक्रेन तो ठीक है, लेकिन आपको मालूम है एक सिविल अनरेस्ट की सिचुएशन जो है श्रीलंका में बहुत टाइम तक चली, ठीक है, सिविल मूवमेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम तक चला, अभी फिर से अगर आप देखते हैं तो एक सिविल अनरेस्ट की सिचुएशन है वहाँ पे। जैसे जो प्रेसिडेंट हैं राजपक्षे उनके ऊपर कितना ज़्यादा आक्रोश है, अभी पूरा का पूरी जो कंट्री है वो पूरा आवाम जो है वो सड़कों पर आ गया है, राइट, बिकॉज ऑफ द इमरजेंसी दैट हैज कम अप इन श्रीलंका। तो ये वाली जो सिचुएशन है इस टाइम पे, ये ऐसे टाइम पे भी ह्यूमन राइट्स का रोल रहता है, ह्यूमन राइट काउंसिल का रोल रहता है। अब रिव्यूइंग ह्यूमन राइट रिकॉर्ड, इसका मतलब यह है काउंसिल का काम होता है टू मैनेज यूनिवर्सल पीरियोडिक रिपोर्ट, जैसे मैंने आपको कहा UPR जो है वो मैनेज की जाती है, और प्रोसेस होता है जिसके थ्रू UN मेंबर स्टेट का ओवरऑल ह्यूमन राइट रिकॉर्ड जो है वो रिव्यू किया जाता है, मतलब देखा जाता है कि ठीक है आपके मेंबर रहे, आप जिस समय पे मेंबर रहे, जितने 47 मेंबर्स हैं उनका रिव्यू किया जाता है और देखा जाता है कि आपकी क्या योगदान रहा
आपके क्या इनपुट रहे, आपने किस तरह की चीज़ें आपने की, मतलब किस तरह के आपने सजेशंस फ्लोर पे लाए आप, या आपने क्या एक्शंस लिए, या फिर आपके होम कंट्री में आपके घर में चीज़ें किस तरह की हैं, राइट? आपकी ऐसी कोई सिचुएशन तो नहीं है कि आप चीज़ों को वर्कआउट नहीं कर पा रहे, या आपकी कंट्री में अनरेस्ट की सिचुएशन है, या वहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हो रहा है, या वहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या है। जैसे आपको मालूम है अभी जम्मू एंड कश्मीर के मामले में लोगों ने बहुत मुद्दे वहाँ पर उठाए थे, जब आपको मालूम है इंटरनेट को बैन कर दिया गया था, जब जम्मू एंड कश्मीर और लेह लद्दाख को यूटी बनाया गया, आपको मालूम है स्क्रेप कर दिया गया था आर्टिकल 370, तब काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने बड़ा क्वेश्चन उठाया था कि यू नो ह्यूमन राइट्स वायोलेशन और घोर, जिसको कहते हैं कि बहुत ही हीनियस वे में ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन हो रहा है इंडिया पे, बहुत सारे लोगों ने उस पर किया था और इसके ऊपर बाकायदा मीटिंग बैठी थी, इसके ऊपर रिव्यू हुआ था और बहुत सारी चर्चा की गई थी, ठीक है? तो इस तरह के मुद्दे भी उठाए जाते हैं। इन एडिशन द काउंसिल रिसीव्स कंप्लेंट एलिजिंग पैटर्न्स ऑफ ह्यूमन राइट वायोलेशन विच आर कंसिडर्ड बाय द वर्किंग ग्रुप ऑन कम्युनिकेशन एंड मे बी रेफर टू द वर्किंग ग्रुप ऑफ सिचुएशंस, ठीक है? तो इसमें पूरी तरह से आपको जैसे कहा जाता है कि अगर ह्यूमन राइट्स के वायोलेशन के मामले आते हैं या कोई कंप्लेंट आती है तो उसके ऊपर बहुत ही एक पूरी कमेटी गठित होती है, वर्किंग ग्रुप जो है वो पूरा उस पर काम करता है, उसको मॉनिटर करता है, सिचुएशन कैसी है उसका आकलन करता है और हर तरह की एक रिपोर्ट तैयार करता है, ठीक है? वर्किंग ग्रुप ऑन सिचुएशन रिपोर्ट्स बेसिकली क्या होती हैं, वो होती है सब्सटेंशिएटेड क्लेम्स ऑफ कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ ग्रॉस वायलेंस और टू द काउंसिल एंड मेक्स रिकमेंडेशन फॉर एक्शन। और इसमें क्या होता है, जब वर्किंग ग्रुप की कम्युनिकेशन की रिपोर्ट आती है वो तो एक चीज़ है, लेकिन जब सिचुएशन की रिपोर्ट आती है तो उसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर जो भी पर्टिकुलर कंट्री या मेंबर स्टेट की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर ये देखा जाता है कि वहाँ पर बार बार इस तरह की घटनाएँ घटित हुई हैं या बार बार ग्रोस, जिसको बोलते हैं कि ग्रोसली आपकी ह्यूमन राइट्स वायलेट किए गए हैं, और फिर उसके ऊपर ये कहा जाता है, एक रिपोर्ट पारित की जाती है जिसके ऊपर कहा जाता है कि अब इस पर आपको एक्शन लेना है, यू हैव टू कॉल फॉर एन एक्शन ओवर दिस, तो उसके ऊपर हो जाता है, ठीक है? अब अगर आप बात करते हैं, encourages civil society participation, it explicitly acknowledges the role of non-governmental organization at the national, regional and international level in the promotion and protection of human rights, ठीक है? Therefore, council works in close cooperation in the field of human rights with government, regional organization, national human rights institution and civil society. ठीक है, क्या आपको मालूम है कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है किस पे बात करती है, ये अपना ये समझा जाता है ह्यूमन राइट्स की जब बात आती है कि सिर्फ स्टेट्स की जो वेरियस स्टेट्स हैं या कंट्रीज हैं उनकी जो गवर्नमेंट है वो तो ठीक है, लेकिन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओस जो है उनके साथ भी कोलैबोरेशन, उनकी जो इंपॉर्टेंस है उसको समझा जाता है, या आप बात कर सकते हैं नेशनल या रीजनल या इंटरनेशनल लेवल्स पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं, या ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने वाली और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, इन हाउस ऑर्गेनाइजेशन है जो किस बात को या इस काज को सपोर्ट करती हैं। और इसकी बात करते हैं अगर आप, देयरफॉर काउंसिल वर्क्स इन क्लोज कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स जो कि गवर्नमेंट, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, न्यूशनल ह्यूमन राइट, नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस एंड सिविल सोसाइटी, सबको लेके साथ चलने की बात होती है। अदर्स प्रमोट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑब्लिगेशन अंडरटेकन बाई स्टेट्स, ऑफकोर्स आपको जो आपने जो स्टेट्स हैं जिन्होंने अलग अलग, जिसको आप कहते हैं ना अलग अलग प्रिंसिपल्स या अलग अलग लॉज या अलग अलग स्ट्रैटेजीज तैयार की हैं टू सेव गार्ड ह्यूमन राइट्स, उनको एक तरह से प्रमोट करता है ये हर स्टेट में, ठीक है? उसके अलावा प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विसेज, टेक्निकल असिस्टेंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कंसल्टेशन विद द कंसेंट ऑफ मेंबर स्टेट कंसर्न्ड, मतलब ये एक आउटर सपोर्ट भी प्रेजेंट करता है, टेक्निकल सपोर्ट भी प्रेजेंट करता है, अगर आपका कोई इस तरह की कोई चीज़ है जो आपकी ऑलरेडी यू नो आपने कोई पॉलिसीज फ्रेम की हुई हैं या आपके कोई प्रिंसिपल्स या कोई लॉज हैं जो आपने फ्रेम किए हुए हैं जो कि ह्यूमन राइट्स को सेफगार्ड करने की बात कर रहे हैं, तो उसको बाहर से सपोर्ट भी प्रेजेंट करता है, एडवाइजरी काउंसिल का भी काम करता है और टेक्निकल सपोर्ट का भी काम करता है, और ये साथ में मिलकर काम करता है किस तरह से कि आप इसको पूरी तरह से आप इसको क्रियान्वित कर सकें, राइट? और ये मेंबर स्टेट के साथ हाथ में हाथ मिला, हाथ से हाथ मिला के, कंधे से कंधे मिला के, कंधा से कंधा मिला के काम करता है, राइट? इसमें may issue resolution calling on a state to take specific actions of uphold certain principles or it may create mechanism to investigate question of the concerns. इसमें क्या होता है, या तो issue resolution में भी काम करता है, अगर कोई मुद्दा आ रहा है, कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो कि हम अपनी कंट्री में घर के घर में बैठ के सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो उसमें बाहर से एडवाइजरी का भी काम होता है, रेजोल्यूशन की बात होती है जिसमें स्टेट टू टेक स्पेसिफिक एक्शंस टू अपहोल्ड सर्टन प्रिंसिपल्स, और एक बात होती है कि कई बार ये एक दबाव भी, बाहरी दबाव के तौर पर भी काम करता है कि अगर कोई स्टेट ऐसे काम कर रही है
जो इट इज़ नॉट सफिशेंट इनफ, जो सिचुएशन है उससे मुकाबला करने के लिए, तो वो एडवाइजरी का भी काम करता है और कई बार दबाव भी बनाता है कि यू नो यू हैव टू टेक दीज एक्शंस टू कर्ब द प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग राइट नाउ, तो उसमें भी काम आता है। उसके अलावा और कहा जाता है कोई मैकेनिज्म भी हो सकता है कि कई बार इन्वेस्टिगेट भी करता है, एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी इन्वेस्टिगेशन का भी काम कर सकता है कि आप जो काम कर रहे हैं अपने देश में या आप जो निर्णय ले रहे हैं या काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू आर डूइंग इन योर कंट्री, आर दे गुड इनफ टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स इन योर कंट्री और द वायलेशन और टू स्टॉप द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन योर कंट्री, उसका भी काम करता है। अगर हम इसके अचीवमेंट की बात करते हैं कि भाई इसका अचीवमेंट क्या रहा, अगर इसने क्या ऐसा काम है जो उसने किया है, तो आप समझ लीजिए कि कंट्री स्पेसिफिक रिपोर्ट एंड कमीशन ऑफ इंक्वायरी अगर 2006 से 2015 की हम बात करते हैं, तो नंबर ऑफ कंट्री स्पेसिफिक रिपोर्ट सबमिटेड बाय स्पेशल प्रोसीजर इंक्रीज बाय 104% एंड द नंबर ऑफ गवर्नमेंट इशूइंग स्टैंडिंग इन्विटेशन टू द इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ऑलमोस्ट डबल टू 114। तो ये एक इनका बेहतरीन अचीवमेंट है, राइट। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो रेजोल्यूशन ऑन इंटरनेट फ्री स्पीच इन 2012 यूएन ने क्या किया, यूएनएचआरसी से ने क्या किया, यूनानिमसली अडॉप्ट किया रेजोल्यूशन जो कि फ्री स्पीच ऑफ इंडिविजुअल्स को सपोर्ट करता था कि आपको मतलब हर आदमी की इक्वालिटी और लिबर्टी को आपको होल्ड करना है और आप उसकी संरक्षण करेंगे। इसके लिए किया गया काहे पे, इंटरनेट पे, ठीक है। तो इंटरनेट आपको एक तरह से फ्री इंटरनेट जो है वो उसने ने सुनिश्चित किया और ये पहली अपने तरह का यूएन का रेजोल्यूशन था जो इस तरह का था और इसका काफ़ी समर्थन किया गया वर्ल्ड वाइड। इसके साथ आ गए हैं हम एंड पे। आपको समझ में आ गया होगा कि ह्यूमन राइट काउंसिल के ऊपर हमने कितनी सारी बातें की, किस कंटेक्स्ट में बातें की, ऑफकोर्स रशिया को जो बैन किया गया था उसका, लेकिन ओवरऑल जो फॉर्मेशन है, ओवरऑल जो बॉडी है किस तरह से काम करती है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत लंबा चैप्टर नहीं था तो समझ में आ गई होंगी चीज़ें। नाउ इन केस अगर कोई चीज़ मिस कर रहे हो, कोई चीज़ क्लियर नहीं है, वैसे बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकल चीज़ थी नहीं, है ना, तो क्या करना है मालूम है ना, कैसे एक्सेस करना है हमारा डेटा, आपको जाना है मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे, हमारी magnetbrains.com पे। वहाँ पे जितने भी हमारे कोर्सेज चलते हैं, NTSC, ओलंपियाड, CUET, सब कुछ चलते हैं, आपको इस तरह से टॉप कोर्सेज का ऑप्शन मिलेगा, उसमें से आपको ओलंपियाड पे जाना है। ओलंपियाड पे आप जाएंगे तो इस तरह का आपको पेज मिलेगा जिसमें यहाँ पे आपको जाना है, व्यू नाउच का, वॉच नाउ का ऑप्शन है, क्लिक करेंगे वॉच नाउ के ऑप्शन में तो पेज खुलेगा, आपको पूरे के पूरे जो सिनॉप्सिस हैं, जो पूरे के पूरे हमने जो किया है अभी तक, वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में मिलेगा, ठीक है, सब हेड्स के साथ आपको मिलेगा। यू हैव टू जस्ट पिक इट अप, आपको चूज़ करना है कि आपको क्या करना है, आप उसको खोलेंगे तो आपको पूरा वीडियो जो है वो सीक्वेंस में मिलेगा, आपको कहीं पे भी ये दिक्कत नहीं होगी कि एक चीज़ कहीं मिलेगी कहीं मिलेगी, प्रॉपर सब हेड्स में देखो, ठीक है। करंट अफेयर्स का आपको करंट अफेयर्स में मिलेगा, शॉर्टी नोट्स का आपको शॉर्टी नोट्स में मिलेगा, यू विल गेट इट। इस तरह का पेज ओपन होगा, पूरा वीडियो देख सकते हो, वेल एंड गुड। इफ़ यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ टाइम तो आगे देख सकते हो, लाइक टाइम नोट कर लो, उसके बाद नेक्स्ट आगे से बढ़ा लेना, ठीक है। YouTube पे भी बिल्कुल सेम है, एज यू नो कि YouTube पे भी आपको हमारे चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी, जो रेगुलर अपडेट्स हैं वो आपको FB पे मिल जाएंगे, इंस्टा हैंडल पे मिल जाएंगे, सो यू विल गेट ऑल द नॉलेज। कोई इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है जो कि आपको लगता है कि सॉल्व नहीं हुई है या कोई क्वेश्चन है जो दिमाग में आ रहा है, राइट इट डाउन एंड आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू, ठीक है। ओलंपियाड, जैसे मैंने कहा कि ओलंपियाड का एग्जाम है, ओवरऑल नॉलेज हर चीज़ की होना हमें बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू मेक ओवर हियर, राइट, हम ओवरऑल एक सेंस बना सकें, दिस व्हाट वी आर एमिंग एट। और एग्जाम की तैयारी हमें करनी है, बहुत टाइम हमारे पास लिमिटेड है, सो जस्ट एज आई से ऑलवेज पुल अप योर सॉक्स एंड बी रेडी टू गो विद इट। ओके, सो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।